अस्सलामुअलैकुम टेस्टी बाइट विद शाजिया खान की तरफ से शाजिया खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गाइस मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा और इजी नाश्ता लेकर आई हूँ शाम की चाय के साथ, जो हम लोग मन नाश्ता बनाते हैं अपने घर में या बारिश हो रही होती है तो पकोड़े बनाते हैं। आज थोड़े नए अंदाज के पकौड़े लेकर आई हूँ न्यू स्टाइल में। ये 5 अदद आलू हैं, 2 अंडे हैं, हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, आधी चमची चाट का मसाला, आधी चमची कुटी मिर्ची और आधी चमची काली मिर्ची और नमक हसबे जायका, ठीक है। ये 2 चमचे कॉर्नफ्लोर है और ये 2 चमचे चावल का आटा है, ठीक है। अब हम आलू को छील कर और उसको हम कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश करेंगे इस तरह लंबाई में, ठीक है, लंबाई में ऐसे करेंगे ताकि इसके लंबे लंबे लच्छे बने आलूओं के, ठीक है। मैं कद्दूकश करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमने आलूओं को कद्दूकश कर लिया है, ये देखें ये लंबाई में ये लच्छे देखिए ये मैंने कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे अपने, सही है। इसमें मैं अंडे जब भी आप डालो तो अलग कटोरी में तोड़ के फिर डाला करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि ख़राब वगैरह हो जाए तो आपकी पूरी चीज़ ज़ाया जाए। मैं 2 अंडे डालूँगी इसमें क्योंकि हमारे आलू ज़्यादा है ना। अगर आप कम आलू लें, 2 आलूओं का बना रहे हैं तो 1 अंडा बहुत है, मगर मैंने ज़ाहिर है 5 आलू लिए तो मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये सारे मसाले जो लिए थे मैंने, कुटी मिर्चें, चाट का मसाला और काली मिर्चें, ठीक है, ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने कम डाली क्योंकि बच्चे फिर रोते हैं, बच्चों के मुँह में आते हैं ना, तो ये मैंने हरी मिर्च कम लिए, ठीक है। ये हो गया कॉर्नफ्लोर 2 चमचे और ये चावल का आटा ये भी 2 चमचे। अब बारी है इसको मिक्स करने की, अगर आप चमचे की मदद से करना चाहें तो कर लीजिए, मगर मैं हाथ की मदद से करूंगी क्योंकि मेरे हाथ धुले हुए साफ सुथरे हैं बिल्कुल, और मैं इनको हाथ की मदद से करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नमक डाल दूँ, मैं थोड़ा नमक भूल चुकी हूँ, हम अपने हसबे जायका नमक जितना हमें डालना है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। देखिए गाइस, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए गाइस, ये इस तरह हो चुका है, मैंने इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स किया है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे ढक्कन ढक के, और फिर इतने में अपना ऑयल गरम करते हैं। देखिए गाइस, ऑयल हमारा गरम हो गया, अब मैं ये इसमें पकोड़े डालना शुरू कर रही हूँ। स्पून की मदद से डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, मगर मुझे हाथ से सही लगता है, मैं ज़्यादातर हाथ से ही करती हूँ काम। देखिए गाइस, अब हम इनको टर्न करते हैं, ये हो चुके हैं एक तरफ से। ये शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे ये आलू अंडे के पकौड़े। देखिए गाइस, ये हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं वरना ये ज्यादा हो जाएंगी। देखिए गाइस, ये हमारे पकोड़े बन गए तैयार हो चुके हैं, इतने गर्म गर्म क्रिस्पी, ये बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं बस गर्म भी बहुत हो रहे हैं। और इनको आप शाम की चाय के साथ बनाइए, और बारिश हो रही है तो बनाइए चटनी के, इमली की चटनी के साथ खाएं, केरी की चटनी के साथ या केचप के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप लीजिए। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आइंदा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिले, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।